एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं अनीश लेकर आया हूँ रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बहुत आसान से तरीके। क्वेश्चंस वो जो रेलवे, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, एसएससी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, नेशनल डिफेंस एकेडमी या फिर कंबाइंड डिफेंस सर्विस में पूछे जाते हैं, और तरीके वो जिसे समझ कर फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट भी चुटकी बजाते क्वेश्चन सॉल्व कर दे। दोस्तों, एग्जाम्स में पूछे गए रीजनिंग के सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें कम से कम एक मिनट और या तो उससे भी ज़्यादा लगता है, लेकिन क्या हमारे पास इतना समय होता है? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हमें एक मिनट में रीजनिंग के 3 से 4 क्वेश्चंस सॉल्व करने पड़ते हैं, और जिसे करने के लिए हमारे पास होने चाहिए ज़बरदस्त ट्रिक्स। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन सभी ट्रिक्स की जो हमें क्वेश्चन को चुटकी बजाते सॉल्व करना सिखाते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, काउंटिंग ट्रायंगल्स। दोस्तों, इसे मैं आपको समझाऊंगा कुछ एग्जांपल्स के साथ में। आपको सिर्फ फिगर देखना है और आप 2 से 3 सेकंड में आंसर निकाल लेंगे। इसके लिए हमें सीखना है कुछ स्टेप्स। आइए पहला देखते हैं। सबसे पहले आपने फिगर देखा, ये एक स्क्वायर बना हुआ है और जिसे 2 डायगोनल्स से डिवाइड किया गया है। अब इस वाले में करने के लिए हमें सिर्फ 2 स्टेप पे ध्यान देना है, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे इसे। पहला स्टेप जो है वो है नंबरिंग, यानी हमें सबसे पहले नंबरिंग कर लेनी है। तो नंबरिंग करते हैं इसकी 1, 2, 3 और 4, और ये जो भी नंबरिंग है आप अपने मन में उसे रख ले। हमारे पास पहले स्टेप में तो नंबरिंग हमने कर ली कि चलो 4 हमारे पास ट्राइंगल्स यहां दिखाई दे रहे हैं, और अगले स्टेप में आपको सिर्फ इसको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। आपके पास जो भी नंबरिंग आ रही है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और वो आपका आंसर आ जाएगा कि इस फिगर में कितने ट्राइंगल्स हैं। सो दिस इज दैट इजी स्टूडेंट्स। अब देखने वाली बात यह है कि हमारे पास यहां पर एक स्क्वायर था, हमने नंबरिंग की और 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब देखते हैं हमारे पास अगर 2 स्क्वायर हैं और 2 स्क्वायर में अब हमें ट्राइंगल्स की काउंटिंग निकालनी है, तो देखने वाली बात यह है कि आप सबसे पहला काम जो करेंगे, स्टेप वो करेंगे नंबरिंग, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, तो टोटल हमारे पास हो गए 8। सेकेंड स्टेप सेम टू सेम यही रहेगा, हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है जितने भी काउंटिंग्स आ रहे हैं हमारे पास ट्राइंगल्स के। तो वो टोटल काउंटिंग्स कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं। 8 × 2 = कितना हो जाएगा, 16। आप इसको अपने माइंड में रखिए कि हमारे पास टोटल 16 ट्राइंगल्स हो चुके हैं। अब जो फाइनल स्टेप है, जो कि इसमें नहीं था क्योंकि इसमें सिर्फ एक स्क्वायर है, अब हमें देखना है इसमें जो 2 स्क्वायर है वो जुड़ने से इस फिगर में क्या बदलाव आया है। तो हम अगर ध्यान से देखें तो ये वाला जो ट्राइंगल है हमारा और एक ये वाला जो ट्राइंगल है, ये 2 स्क्वायर के जुड़ने से बढ़ गया है। तो ये हमारे पास, एक नीचे से देख लो और एक ऊपर से देख लो, तो आपके पास 2 ट्राइंगल्स बढ़ते हैं, यानी कि आप क्या करेंगे, 16 + 2 कर देंगे। आप ऐसा हर बार करेंगे जब आपके पास में सिर्फ 2 डायगोनल से एक स्क्वायर को डिवाइड किया गया हो। यहां पर भी 2 स्क्वायर हैं लेकिन डायगोनल्स 2 ही हैं। तो इस तरह से हम स्टेप नंबर 1 नंबरिंग किया, स्टेप नंबर 2 से मल्टीप्लाई, और स्टेप नंबर 3 में हम लोग 2+ कर देंगे। तो दोस्तों, अब ये 2+ करेंगे, किसी में 4+ करेंगे, किसी में 6+ करेंगे, तो ऐसा क्या है कि हम लोग यहां पर 2+ करें या 4 करें या 6 करें। तो अब हमें ये देखना है, जब हमने यहां पर फिगर को एक बार जोड़ा है, यानी मिडिल में एक लाइन बन रही है, एक लाइन बनेगी तो हमें 2 जोड़ देना है। अगर यहां मिडिल में 2 लाइन बन रही होती तो हम यहां पर 2 बार 2, 2 यानी कि 4 जोड़ देते, और 3 लाइन बनती तो हम यहां पर 6 ऐड कर देते। तो अब यहां पर हमारे पास जो आंसर आ रहा है, इस वाले का 18 आ गया है, इस वाले का हमारे पास 8 आ गया है। ये एक छोटा सा टेस्ट है आपको, जो कि अभी करना है आपको। मैंने यहां पर 3 स्क्वायर जोड़े हैं और आपको फटाफट से बताना है कि इन 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है। आप कुछ सेकंड्स के लिए वीडियो पॉज करें और ये आंसर आप निकाल के अपने पास रखें, मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने अपना आंसर निकाल लिया होगा। आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। फर्स्ट पार्ट जो है वो नंबरिंग, और हमें बच्चों की तरह 1, 2, 3, 4 करके नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, ये हम अपने माइंड में भी कर सकते हैं। फर्स्ट फिगर इसमें आपको दिख रहा है 4 नंबर्स, इसमें हो जाएंगे 4 + 4 = 8 + 4 = 12, यानी कि हमारे पास 12 नंबरिंग्स तो डायरेक्ट हो गई है, और 12 को आप लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि वो हो जाएगा 24।
हमने दो स्टेप कर लिए, पहला नंबरिंग कर ली 12 हो गए, दूसरा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 24 हो गए। तीसरा अब हम देखेंगे मिडिल पार्ट कितने बन रहे हैं, तो मिडिल पार्ट 1 मिडिल पार्ट 2 यानी कि 2 प्लस 2 इसमें हम लोग 4 ऐड कर देंगे और इसका आंसर आ जाएगा 28 और जो कि पहला वाला ऑप्शन है। तो दोस्तों ये बहुत आसान है, आप इसका एग्जांपल लेने के लिए आप 4-5 अलग अलग स्क्वेयर्स को अटैच करके आप नंबरिंग निकाल लें, फॉर्मूला सेम लगेगा, तीन ही स्टेप बनेंगे उनके, तीन से ज्यादा स्टेप नहीं बनेंगे। अब देखते हैं हम लोग कि इसमें हमने दो डायगोनल्स के थ्रू काटा था, तब क्या होगा जब हम इसमें एक और बीच में से भी काट दें एक बार, यानी कि अब लाइंस कितनी हो रही है बीच में 1, 2 एंड 3। खैर हमें लाइंस पे इतना ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान देना है अपने पार्ट पे, पहला वाला सेम वही रहेगा नंबरिंग। तो नंबरिंग हमारी कर लो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो यहां पर 6 ट्राइंगल अंदर हो गए, 6 हो गए, और दूसरे वाले पार्ट में क्या करना है हमें 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 12 ट्राइंगल्स। और इसमें हम ये देख रहे हैं कि कोई भी इसके अलावा दूसरा स्क्वायर इसमें अटैच नहीं हो रहा, यानी कि हमें इसमें कोई एडिशन करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों दूसरे वाले पार्ट में आते हैं हम लोग, दूसरे वाले पार्ट में भी सेम टू सेम है, इसकी नंबरिंग कर लें, इसकी नंबरिंग कर लें, टोटल मिलाकर के ये 12 हो जाएंगे। तो आप पहले वाले स्टेप में तो 12 अपने माइंड में रख लें, इसे स्टेप 1, 2, 3 लिखने की जरूरत नहीं है और ना ही हमारे पास इतना टाइम होता है सॉल्व करते समय, इसे सिर्फ अपने माइंड में रखना है। और ये विद इन सेकेंड्स कैसे सॉल्व होता है बताता हूं, पहले में आपने नंबरिंग कर ली, दूसरे में मल्टीप्लाई 2 से कर दें तो 24 हो गया, और तीसरे में अब हमें क्या ऐड करना है, हमने ऊपर वाले में 2 ऐड किया था अगर एक लाइन है तो, और अगर दो लाइन होती तो हम लोग वहां पर 4 ऐड कर रहे थे। अब यहां पर देखना यह है कि ये दो ट्राइंग दो स्क्वेयर को अटैच करने से क्या फर्क पड़ता है, कितने नए ट्राइंगल्स बन सकते हैं। तो आप अगर ध्यान से देखें तो एक ये वाला ट्राइंगल जो है मिडिल में, एक ट्राइंगल ये बन रहा है आपके पास में, और एक ये कंप्लीट भी आप कर लें तो ये आपका एक कंप्लीट भी बन रहा है, यानी कि नीचे वाली साइड में आपका एक ये बन गया और दूसरा ये बन गया। सेम अगर नीचे से ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो आपका एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा पूरा, यानी कि इस बार एक लाइन अटैच होगी तो आप लोग 4 ऐड करेंगे, जबकि पिछले वाले में हम लोगों ने सिर्फ 2 ऐड किया था। ये इसलिए हुआ था क्योंकि उसमें बीच में एक लाइन नहीं थी, इसमें एक बीच में लाइन हो गई है जिसके कारण दो नए ट्राइंगल्स ऐड हो गए हैं। तो 24 में हम क्या करेंगे, 4 ऐड कर देंगे तो वो आपका हो जाएगा 28, यानी कि फर्स्ट वाली फिगर में हमारा 12 आया, दूसरे वाले में हमारा 28 आया। और दोस्तों फिर एक छोटा सा टेस्ट, ये फिगर बनाया है इसमें मैंने 3 अटैच किए हैं, आप फटाफट वीडियो पॉज करें और 4-5 सेकंड में इसका आंसर निकाल के रख दें। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा और आपका आंसर सही भी होगा। दोस्तों मैं एक बार आप लोगों के लिए कैलकुलेट कर देता हूं ताकि ये थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए। सबसे पहला हम फिगर देखेंगे 1, 2 एंड 3 और इसमें 6 पार्ट है तो 6 इसमें 6 इसमें टोटल 18 हो गए। हमने क्या किया था, पहला नंबरिंग करके फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 18 टूजा हो जाता है आपका 36। 36 होने के बाद आप देखें अटैचमेंट कितनी है, एक अटैचमेंट मतलब 4 ऐड करेंगे, दो अटैचमेंट मतलब 4 और ऐड कर देंगे आप लोग। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, ये टोटल आपके बन रहे हैं 44, 36 प्लस 8 44 बन रहे हैं आपके। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही आंसर है। दोस्तों हमने दो तरह के यहां पर फिगर्स देखे हैं, स्क्वायर में 2 क्रॉस और स्क्वायर में 3 क्रॉस, और अब हम लोग यहां पर इंग्लैंड के झंडे के साथ तैयार हो गए हैं। ये इंग्लैंड के झंडे की तरह बन गया है, इसमें हमारे टोटल क्रॉसेस गिनेंगे हम 1, 2, 3 एंड 4। 4 क्रॉस है यानी कि इसके अंदर कम से कम 8 हमारे ट्रायंगल्स बन रहे हैं। पहला स्टेप क्या है, 8 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, और दूसरे स्टेप में हमने क्या किया था, 2 से मल्टीप्लाई, दूसरा कोई ऐड नहीं हो रहा हमारा स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट उसका आंसर निकाल लेंगे 8 टू 16, और इसमें कोई ऐड करने की जरूरत नहीं है, ऐड करने की जरूरत इसमें आएगी। दोस्तों अब इसमें ऐड करने की तो जरूरत आएगी, पर कितना ऐड करना है हमें, हम देखते हैं कि कितना चेंज आता है इसको ये लाइन खींचने से। तो अगर आप देखो तो ये दो लाइन जो है वो बीच में कहीं आ नहीं रही है, जैसे हमारी ये वाली लाइन तो बीच में से होकर निकल रही थी तो दो नए ट्रायंगल्स बन रहे थे, लेकिन ये साइड में चल रही है, बीच में कोई इसमें आप यहां पर ऐसे तोड़ लें इसको, ये बीच में कोई चेंज नहीं कर रही है, यानी कि ट्रायंगल्स के नंबरिंग में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी एक अगर अटैचमेंट है तो आप 4 ऐड कर देंगे। ठीक है दोस्तों अब ये देखिए, आप पहला स्टेप नंबरिंग कर लेंगे, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, टोटल 16। दूसरा स्टेप 2 से मल्टीप्लाई, 16 टू 32। तीसरा स्टेप एक अटैचमेंट है तो हम लोग 4 ऐड कर देंगे तो 32 प्लस 4 कितने हो गए, 36 हो गए हैं। दोस्तों ये मत ऐड कर लीजिएगा, पता चला आपने ये भी ऐड कर लिया और नंबरिंग हमारी 50 पार हो गई। ठीक है ये ध्यान देने वाली बात है। अब एक
छोटा सा टेस्ट इसी वाले फॉर्म पे, इसमें मैंने तीन तीन स्क्वायर को ऐड किया है और आप इसको फटाफट ऐड करें, वीडियो पॉज कर लें। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपका आंसर आ गया होगा। आइए एक बार मैं भी इसको आपके लिए सॉल्व कर देता हूं। हम देखेंगे टोटल नंबरिंग, तो इसमें 8 हो रही है, इसमें 8, इसमें 8, तो टोटल हो गए आपके 8 3 24 को आप क्या कर रहे हो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा आपका 48 के बाद आप देखेंगे अटैचमेंट कितने हैं। ये अटैचमेंट नंबर 1, ये अटैचमेंट नंबर 2, यानी कि 4 + 4 = 8। इसमें 8 ऐड कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 56, यानी कि लास्ट वाला जो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, आप इस वाले सारे के सारे तरीकों को आसानी से समझ सकें इसलिए एक मैंने छोटा सा होमवर्क रखा है आपके लिए। होमवर्क ऐसा है कि मैं ए और बी करके कर रहा हूं, क्योंकि नंबरिंग्स यहां चल रही हैं तो ये ए और बी में चलेगा। मैं इसी वीडियो में कंटिन्यू करता रहूंगा ए बी सी डी ई करके, और आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद में आपको कमेंट में आंसर भेज देना है। मैं वहीं पर आपको जवाब दे दूंगा कि आंसर सही है या फिर गलत है। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, कोई कॉन्टेस्ट नहीं है। इस वीडियो के एंड में मैंने आप लोगों के लिए कॉन्टेस्ट भी रखा है, आप ये एक बार फिगर देख लें, अपनी डायरी में बना लें। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने कुछ और अलग अलग फिगर्स की तरफ जहां पर हमें ट्रायंगल्स को काउंट करना है। दोस्तों हमने सीखा कि स्क्वायर्स के अंदर ट्रायंगल्स काउंट करना कितना आसान है, और आपको उससे भी ज्यादा आसान तरीका मैं बताने वाला हूं ट्रायंगल्स के अंदर ट्रायंगल्स फाइंड आउट करने का। तो दोस्तों आइए देखते हैं, सबसे पहला ये फिगर देखेंगे। इसे तो कोई भी देख के बोल देगा कि इसमें एक ही ट्रायंगल है, इसमें कोई लॉजिक लगाने की हमें जरूरत नहीं है। इस फिगर में हम देखेंगे हमें इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस गिननी है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। दोस्तों हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं वो इस तरह से चलती हैं, और वर्टिकल लाइंस जो होती हैं वो इस तरह से चलती हैं। बस ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको काउंट करनी है, कितनी है इसमें, कितनी है, 1 और 2। तो इसके अंदर दो ही ट्राइंगल बन सकते हैं। फिर आप इसमें देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, 1, 2 और 3। तो इसमें सिंपली 3 ट्राइंगल्स ही बनेंगे। आप चेक भी कर सकते हैं, ये 1, 2 और 3, तीसरा किसी भी तरह का ट्रायंगल इसमें नहीं बनने वाला है। तो दोस्तों हॉरिजॉन्टल लाइंस में आपको ट्रायंगल के अंदर जब आएंगी तो आपको यह ध्यान रखना है कि कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस है। इसमें एक है तो इसमें एक बन रहा है, इसमें दो है तो ये दो बन गया, इसमें तीन है तो यहां पर 3 बन गया। एक ये छोटा सा टेस्ट है, फटाफट इसको आप वीडियो पॉज करिए, फटाफट इसका आंसर निकालिए, देखें सही है कि गलत। ठीक है दोस्तों, तो हमें इसमें करने वाला चीज क्या है, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि सीधा आप 5 पर टिक लगा देंगे और इसमें करने वाला कुछ भी नहीं है। क्या हो अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल लाइन दी गई हो। आइए वर्टिकल लाइन, इसमें वर्टिकल लाइन कितनी है, एक भी नहीं है। वर्टिकल लाइन सीधी, एक भी लाइन नहीं है इसमें, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, सिंपली ये 1 बन गया फिगर। इसमें क्या है, आपके पास एक वर्टिकल लाइन बन रही है, तो आपको पहला स्टेप आपका ये है कि आप नंबरिंग कर दें। तो 1 और 2 पहले स्टेप में नंबरिंग कर दी, दूसरे स्टेप में उन नंबरिंग्स को आपस में ऐड कर लें, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3। तो इसके अंदर 3 ट्रायंगल्स बनेंगे, और देख भी सकते हैं हम, एक तो ये बन रहा है, एक ये दूसरा बन रहा है, और एक ये पूरा तीसरा बन रहा है। ये तो छोटा सा था, तो करना आसान है। जैसे जैसे फिगर्स बड़े होते जाएंगे हमारे लिए थोड़ा टिपिकल होता है, लेकिन इस फॉर्मूले से चलेंगे तो बहुत ही आसान तरीका है। ये देखते हैं हम लोग, 1, 2 और 3, अब इनको ऐड कर लीजिए, 3 + 2 + 1 = 6। ये इतना आसान है दोस्तों, फटाफट इसका आंसर आप निकाल दीजिए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं इसका आंसर। नंबरिंग करेंगे हम 1, 2, 3, 4 और 5। आपको नंबरिंग करना जरूरी है, इसमें लिखना पड़ेगा आपको, वरना आप भूल जाएंगे कोई नंबर काउंट करना। अब इसको हम लोग है ना ऐड करते हैं, 5, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 1, 15, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर है। दोस्तों आपने ये दो तरह के देख लिए, अब हम तीसरे तरह में ऐसा सीखेंगे जिसमें वर्टिकल भी लाइन है और हॉरिजॉन्टल लाइन भी है, और वो फिगर्स धीरे धीरे बड़े भी होते जा रहे हैं, लेकिन ये निकालना बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं कैसे। आपको क्या करना है, आपको इसमें ध्यान रखना है कि वर्टिकल लाइंस कितनी है। वर्टिकल लाइंस सिर्फ इसमें 1 है, तो आप 1 और 2 नंबर डालेंगे, इसमें भी 1 और 2 डाल देंगे, डालने की भी जरूरत नहीं है, आप माइंड में रख सकते हैं। अब आपको ये देखना है, आप काउंट कर रहे थे इस वाले मेथड में, तो आप काउंट कर लेते हैं 2 + 1 = 3, इसमें भी 2 + 1 कितने होते हैं, 3, यानी 3 + 3 कितने हो जाएंगे, 6। तो पहले वाले में आपको नंबरिंग कर देनी है, दूसरे वाले में जितने भी लेयर्स बन रही हैं उतने लेयर्स को आपको ऐड कर देना है। और आसान बताता हूं उसको करने का तरीका, पहले वाले में सिर्फ नंबरिंग करेंगे, दूसरे में नंबरिंग की भी जरूरत नहीं है।
वन प्लस टू थ्री हो गया। अब इसके है ना कितने फ्लोर्स हैं ये गिन लो, वन फ्लोर टू फ्लोर, तो थ्री टू जा सिक्स। ये देखते हैं नंबरिंग करते हैं पहले, वन और टू, टू प्लस वन थ्री, फ्लोर गिन लेते हैं वन टू एंड थ्री, तो थ्री थ्री जा नाइन, तो यहां पर कितने बन गए आपके ट्राइंगल्स नाइन। इसमें भी ऐसे ही करेंगे वन टू एंड थ्री, काउंटिंग वन से शुरू करनी है, जीरो से शुरू मत कर दीजिएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो नीचे वाले में सिक्स हो गए टोटल, और कितने माले हैं इसके, एक दो तीन चार, यानी सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, यानी इसमें आपके ट्वेंटी फोर ट्राइंगल्स बनेंगे। आपको ये वाला फिगर टेस्ट में करना है, वीडियो पॉज करके फटाफट इसका आंसर निकाल लीजिए आप। ठीक है, अब इसका आंसर मैं निकालता हूं। देखिए वन टू एंड थ्री, यानी कि सिक्स तो नीचे वाले में हो गए, आपको वो सारे के सारे ऐड कर लेने हैं। अब इसके फ्लोर्स गिनते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स फ्लोर है, सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स, और इसका आंसर है थर्टी सिक्स थर्ड वाला। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही आसान तरीके हैं, आप ऐसे खूब सारे फिगर्स बनाएं, अपनी कॉपी में बड़े बड़े बना लें, आप अपने दोस्तों से पूछें और फिर आप बताएं उनको कि देखिए मैंने इसको कितने आसानी से निकाल लिया है। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपके फ्रेंड भी सीख लेंगे। दोस्तों ये दो और होमवर्क मैंने आप लोगों को दे दिया है, तो इस तरह से आपके होमवर्क में हो गए हैं टोटल फोर क्वेश्चंस। मैं इनके जवाब चाहता हूं आप लोगों से कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए अब अगले तरह के कुछ ट्रायंगल्स निकालने का प्रयास। दोस्तों अब मैं लेकर के आया हूं कुछ और अजीबोगरीब से डायग्राम जिसमें हमें ट्राइंगल्स फाइंड आउट करने हैं, लेकिन ये बिल्कुल उसी की तरह आंसर्स निकालेंगे हम बहुत ही आसान तरीके से। देखिए कैसे करना है इसको। इसमें अब आप देखेंगे हमने पहले ट्राइंगल वाला पढ़ा, हमने स्क्वायर वाला भी पढ़ा, इसमें मैंने ये दोनों अटैच कर दिए हैं। अगर मैं दोनों अटैच कर दूं तो फिगर्स में क्या चेंजेस आते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हमने स्क्वायर वाला क्या पढ़ा था, यहां तक अलग कर ले फिगर आप अपनी, तो इसमें हमने क्या किया था, सबसे पहले नंबरिंग की थी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, और फिर हमने क्या किया था उसका डबल कर दिया था, एट टू जा सिक्सटीन, यानी सिक्सटीन तो आपके ट्राइंगल्स इसके अंदर ही काउंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं ऊपर वाले फिगर की। ट्राइंगल्स में हमने क्या देखा था, जब वर्टिकल लाइंस हमारे पास आती हैं तो हम नंबरिंग करते हैं वन और टू और दोनों को ऐड कर लेते हैं, टू प्लस वन कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा। अब दोस्तों ये देखना है कि इन दोनों को अटैच करने के बाद में इसके अंदर क्या नए ट्राइंगल्स बनते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास में एक ये ट्राइंगल बन रहा है और मेरे पास एक ये ट्राइंगल बन रहा है, यानी कि दो ट्राइंगल और एक्स्ट्रा बन जाते हैं, मैं उनको भी इसमें ऐड कर लूंगा, सारे मिलाकर के आपके हो जाएंगे 21, यानी इसके अंदर आपके ट्राइंगल्स टोटल कितने हो गए 21। फिर से ध्यान देते हैं, सबसे पहले स्क्वायर वाला अलग काउंट कर लें, नंबरिंग करने के बाद उसका डबल कर देते हैं तो वो हो जाएगा 16, 8 टू द 16। फिर इस वाले ट्राइंगल में हमने निकाला था पहले भी, आप याद करें एक बार, हमने जब कभी ऐसा ट्राइंगल था और अगर दो भी हैं तो हम वन टू थ्री करते हैं, सबको ऐड करके सिक्स निकाल देते हैं। वैसे यहां पर सिर्फ दो ही हैं तो टू प्लस वन कितने हो जाएंगे थ्री हो जाएंगे, और इसके बाद में ये दो नए ट्राइंगल हमारे एक ऐड हो रहे हैं यहां पर, तो वो दो मैंने यहां पर भी ऐड कर दिए हैं, तो टोटल मिला के आपके पास होते हैं 21 ट्राइंगल्स इन दिस फिगर। अब हम लोग इस ट्राइंगल पे आते हैं, ये ट्राइंगल और स्क्वायर दोनों मिला करके कितने ट्राइंगल्स हैं इसमें ये काउंट करना है। अगर मैं ये दो हिस्सा छुपा दूं, यानी कि मेरा यही वाला फिगर बन जाएगा जो पहला वाला फिगर था यहाँ पे, यानी 21 तो मैं डायरेक्ट लिख लूंगा क्योंकि पहले वाले से हमने 21 निकाले थे, ये आप याद भी कर सकते हैं, 21 फिगर्स 21 ट्राइंगल्स आपने निकाल लिए। अब ये वाला फिगर इतना सा ऐड करने के बाद क्या क्या चेंजेस आए हैं वो देखते हैं। तो अगर मैं देखूं तो एक ये बाहर वाला ट्राइंगल ये ऐड हो गया है और एक ये बाहर वाला ट्राइंगल ऐड हो गया है, तो दो मैंने यहाँ पर ट्राइंगल ऐड कर लिए, आप नंबरिंग भी करके कर सकते हैं, आपके लिए आसान हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो ये ट्राइंगल बाहर वाला मिला करके अगर मैं इसको अटैच करता हूं तो ये दो फिगर भी मेरे पास में यहां आ जाते हैं, ये दो ट्राइंगल्स, यानी कि दो ट्राइंगल्स तो ये भी हो गए। अब देखेंगे हम एक और चीज कि ये वाला ट्राइंगल ऊपर वाले से लिया है और ये स्क्वायर में से काउंट हुआ, तो एक ट्राइंगल हमारे पास ये हो गया और एक ट्राइंगल हमारे पास में ये हो गया, यानी कि टू ट्राइंगल्स हमारे ये हो गए, और एक ये पूरा का पूरा बड़ा वाला भी ट्राइंगल हमारा यहां पर एडिशनल बन रहा है जो यहां पर नहीं था, यानी कि एक ट्राइंगल हमारा वो भी हो गया। आप इनको ऐड करेंगे तो आपके हो जाएंगे टोटल 28 ट्राइंगल्स। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं, ये छुपा करके देखेंगे तो 21 पहले आ गए, ये बाहर वाला एक, ये बाहर वाला एक, टू यहां पर काउंट कर लिया, एक ये वाला ट्राइंगल बन रहा है थोड़ा बड़ा ट्राइंगल यहां पर, वो दो हमने ऐड कर लिए। फिर इसके बाद में हम ये देखते हैं कि यहां से यहां तक का एक ट्राइंगल बन रहा है और एक यहां से यहां तक का ट्राइंगल बन रहा है, दो ट्राइंगल ये हो गए और एक आपका ट्राइंगल बन रहा है पूरा का पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, तो ये मिलाकर के आपके टोटल हो जाते हैं 28 ट्राइंगल्स। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं एक और नए फिगर पे, ये इस तरह का फिगर आएगा, तो आपको कैसे ट्राइंगल्स काउंट करने हैं, आप इसमें नंबरिंग करेंगे वन
टू थ्री एंड फोर, यानी कि हम देखते हैं कि अंदर तो चार तो ट्रायंगल डायरेक्ट बन रहे हैं और एक बाहर वाला ट्रायंगल हम लोग काउंट कर लेंगे। ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है, बस ये ध्यान देना है, एक ट्रायंगल है, यानी अंदर अगर एक ट्रायंगल हुआ तो चार ट्रायंगल तो हम डायरेक्ट ले लेंगे और एक बड़े वाला, यानी फोर प्लस वन टोटल हो जाएंगे आपके फाइव ट्रायंगल्स। अब आते हैं इसमें, ये बहुत आसान है, आपको बस खाली ट्रायंगल्स काउंट करने हैं। आप ट्रायंगल्स गिने इसमें कितने हैं, अंदर एक ट्रायंगल ये रहा और एक ट्रायंगल ये रहा, एक ट्रायंगल पे हम लोग फोर ऐड करेंगे, दो ट्रायंगल है तो हम लोग फोर और ऐड कर लेंगे और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल, यानी कि टोटल मिला के आपके हो गए नाइन ट्रायंगल्स। फ्रेंड्स इसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए इसलिए एक मैंने आपके लिए छोटा सा टेस्ट रखा है, आप इसको फटाफट सेकेंड्स में आंसर निकाल लें, फिर मैं आपके लिए सॉल्व करता हूं इसको। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं यहां पर हमारे पास में अंदर कितने ट्रायंगल्स हैं। तो ट्रायंगल नंबर वन ये रहा, ट्रायंगल नंबर टू ये रहा, ट्रायंगल नंबर थ्री ये रहा, यानी कि फोर फोर और फोर तो आप तीन बार काउंट कर लेंगे क्योंकि तीन ट्रायंगल्स हैं और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल। आप देखेंगे यहां पर ट्रायंगल सीधा बना हुआ है, यहां पे उल्टा बना हुआ है, लेकिन उससे नंबर्स ऑफ ट्रायंगल्स चेंज नहीं होते हैं, यानी कि एक इस पूरे बड़े वाले को भी मैं ऐड कर लूंगा तो टोटल मिला के हो जाएंगे मेरे पास 13 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है दोस्तों, ये बहुत आसान है, आप इसकी खूब से खूब प्रैक्टिस करते चले जाएं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फिर हमारे एग्जाम्स में आपने देखे होंगे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इसमें ट्रायंगल्स आप काउंट करें। अब आप इसमें काउंट करेंगे तो ऐसे बहुत ट्रायंगल हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर मैच करके ये कौन से बनते हैं वो भी देखना पड़ता है। तो इसको निकालने का एक बहुत ही सिंपल और आसान सी ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप सबसे पहले साइड वाली तीन साइड्स हैं, तीनों साइड में कितने कितने ट्रायंगल बनते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका बन जाता है। जब कभी भी ऐसा आपका फिगर बने कि तीनों साइड से आपके जो ट्रायंगल्स बनते हैं इस बेस पर, इस बेस पर, इस बेस पर वो बराबर आते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उनकी नंबरिंग करते हैं। ये टोटल तीन तीन है हर साइड में, तो आप तीन नंबर लिख लेंगे 1 2 और 3। अब आप लोग इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते समय हम लोग क्या करते थे, हम पहले वाले में तो कुछ नया ऐड नहीं हो रहा तो 1 की जगह 1, अगले स्टेप में हम क्या करते हैं इन दोनों को ऐड करके यहां लिखते हैं 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, फिर हम अगले स्टेप में क्या करते हैं इन दोनों को ऐड करके यहां लिखते हैं 3 + 3 6, और फिर हम इनको टोटल कर लेते हैं 6 + 3 9 + 1 10, तो 10 ट्रायंगल्स तो आपके पास में डायरेक्ट आ गए। अब एक चीज इसमें और ऐड करने वाली होती है, हमने इस तरह से काउंट किया है, अभी ऐड किया है, अब हम लोग नीचे से ऊपर, या आप समझ लें नीचे से ऊपर से नीचे हम लोग काउंट करना शुरू करेंगे, और इस ये तो टोटल 10 हो चुके हैं। अब आगे क्या करना है आपको, अल्टरनेट आपको है ना क्रॉस कर देने हैं, उनको काउंट नहीं करना, यानी कि ये आपने काउंट नहीं किया, अल्टरनेट का मतलब एक छोड़ के एक, तो ये काउंट करेंगे फिर आप ये काउंट नहीं करेंगे। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि पहले वाला ही जो नीचे वाला है उसे काउंट नहीं करना है, फिर आप काउंट करेंगे, ऊपर से नंबरिंग नहीं करेंगे वरना आंसर गलत आ जाएगा आपका। तो यहां पर जो काउंट करना है वो सिर्फ एक ही बन रहा है, वो है 3, तो आप 3 इसमें ऐड कर लीजिए, आपके टोटल 13 ट्रायंगल्स बन जाएंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा होगा लेकिन जब आप ये वाला करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये वाला एग्जांपल देखते हैं कि क्या है, नंबर्स आप देखें पहले 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है भाई, तीनों के तीनों साइड से ये बराबर हो रहा है, चार टोटल पार्ट्स हो रहे हैं इसके अलग अलग, तो आप चार बार नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 एंड 4, पहला स्टेप नंबरिंग कर लिया आपने, दूसरा स्टेप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 1 को तो किसी के साथ ऐड नहीं करना, तो 1 आ गया आपका, फिर 1 के साथ आप 2 ऐड करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा, 3 के साथ 3 करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा, 6 के साथ 4 करेंगे तो 10 आ जाएगा, सबको काउंट कर लेंगे हम लोग। काउंट करते हैं इसको, 6 6 और 3 9 + 1 10 और 10 20, तो यहां पर हमारे टोटल कितने बन चुके हैं 20, आपके पास में टोटल काउंटिंग 20 हो चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे से क्रॉस, तो नीचे वाला क्रॉस अल्टरनेट आपको पॉजिटिव में रखना है, एक कार्ड देंगे एक पॉजिटिव रखेंगे। अब आप देखिए कि हम कितने टोटल पॉजिटिव में हैं, तो एक 6 पॉजिटिव में है, 1 पॉजिटिव में है, तो 6 + 1 7, तो आप 20 में 7 प्लस कर देंगे और आपका बहुत आसान सा आंसर आ चुका है 27। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत आसान है, आप ऐसे बड़े बड़े से फिगर बना लें जिसमें नंबरिंग आपकी बढ़ रही हो और कैलकुलेशन आपको सेम टू सेम रखना है, ये बहुत ही आसान है। ठीक है, अब इसके बाद में हम एक तरह का और फिगर ऐसा करेंगे जिसमें हमें ट्रायंगल्स निकालने में काफी डिफिकल्टी होती है, लेकिन यहां पर हम फिर उसको करने जा रहे हैं बहुत आसान तरीके से। दोस्तों तो हम पहुंच गए हैं अपने 10th टाइप के फिगर पे जिसमें हमें बताना है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। दोस्तों ये एक पूरा बड़ा ट्रायंगल है और ये मैं 3 लाइन से इसको कट करता हूं और बीच में ये आपका सेंट्रोइड बन जाता है। दोस्तों ऐसे फिगर में
आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी ट्रिक की जरूरत है। आप सिर्फ नंबरिंग करेंगे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी एक ही ट्राइंगल में अगर 6 तरह के ट्राइंगल बनते हैं तो इस टाइप के फिगर में आपकी जो नंबर आती है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आते हैं, वो टोटल 16 ही आते हैं। और ये आपको याद कर लेना है। अब ये याद क्यों कर लेना है दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे ट्रिक्स पढ़ते हैं, बहुत सारे ट्रिक्स के साथ साथ हम बहुत सारे क्वेश्चंस करना सीख जाते हैं। दोस्तों कुछ क्वेश्चन में बेटर रहता है कि आप उसके आंसर्स याद कर लें, वो आपका टाइम बचाने में काफ़ी हेल्प करता है। तो आपको दोनों चीज़ें याद करनी है, एक तो आपको कुछ क्वेश्चन समझने वाले हैं वो समझ लेना है, और कुछ जिनको समझने की ज़रूरत नहीं है आप वो याद कर सकते हैं, तो आप कृपया करके उसे याद कर लें। वो दोनों के दोनों आपके लिए हमेशा एग्जाम्स के टाइम में बेनिफिशियल रहते हैं। दोस्तों इसी के साथ वक्त हो चला है हमारा कॉन्टेस्ट के बारे में बात करने का। पहले मैं बात करूंगा आपसे पिछले कॉन्टेस्ट की। जो कॉन्टेस्ट था पिछला, उसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था इफ शी हैड ब्रेन शी डैश यूज, तो अब इसका जो आंसर था करेक्ट वो था वुड, और जिसका आंसर जो है वो अंजलि ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, और इसी के साथ वो अपने कॉन्टेस्ट नंबर 3 की विनर कहलाएंगी। अब मैं बात करता हूं कॉन्टेस्ट नंबर 4 आज के वीडियो पर आधारित। तो दोस्तों ये वो फिगर है, आपको इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करने हैं, और इसको आप कॉपी में अपने सॉल्व करें, और आंसर निकालने के बाद में उसको आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दें, और जिसका आंसर सही होगा उसका नाम मैं अगले वीडियो में लूंगा और अपना अगला कॉन्टेस्ट रखूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ हम कंप्लीट करते हैं अपना आज का वीडियो। थैंक यू सो मच।